बच्चों कैसे हो आप सब। बेटा आज हम लेसन 17 पढ़ेंगे, भीम और हनुमान। ठीक है, पार्ट 17 है बेटा हमारा और पार्ट का नाम है भीम और हनुमान। ठीक है, तो बेटा एक बार इसमें जो द्रौपदी होती है वो बाहर बैठी होती है, कुटिया से बाहर बैठी होती है, तभी मतलब सुंदर बहुत मौसम होता है, बहुत सुहावना मौसम होता है, और तभी उसकी झोली में आके उसकी गोद में आके फूल आकर गिरते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं। उन्हें देखकर, फूलों को देखकर वो भीम से कहती है कि मुझे ऐसे फूल लाकर दो, और ये कहने के बाद वो युधिष्ठिर के पास चली जाती है। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ जाता है बेटा, पहाड़ की घाटी में जाता है जहाँ पर केले के पेड़ों का विशाल बगीचा था। ठीक है, वहां पर जाते हैं। जब उस बगीचे के अंदर जाते हैं तो उस बगीचे के मतलब गेट के ऊपर एक बहुत भारी बंदर, मतलब बहुत मोटा बंदर बैठा हुआ था, और भीम ने उसको देखा और कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, रास्ता रोके हुए। तो उस बंदर ने कहा कि मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, मुझसे हिला नहीं जाता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। तो भीम ने कहा किसी जानवर को लांघना अनुचित बात है, अगर मुझे लांघना होता तो मैं तुमसे बिना पूछे ही तुम्हें लांघ कर चला जाता। तो बंदर ने कहा कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, मुझसे हिला नहीं जाता, तो तुम एक काम करो, जो भी मेरी पूंछ है ना इसको उठा के साइड में कर दो और फिर तुम चले जाओ। भीम ने कहा ठीक है। भीम ने उसकी पूंछ को एक हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन जो हनुमान जो बंदर था उसकी जो पूंछ है वो टस से मस नहीं हुई, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिली। तो भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने दोनों हाथ से कोशिश की उस पूंछ को हटाने की, लेकिन वो पूंछ नहीं हटी। उसके बाद हनुमान जी जो बंदर है वो बेटा हनुमान जी होते हैं, तो वो बंदर है वो भीम से कहते हैं क्या तुम्हें पता है हनुमान कौन है। तो उसने भीम ने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें हनुमान जी के बारे में नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता, बंदर कहता मुझे नहीं पता ये हनुमान कौन है। और भीम जब उस पूंछ को हिला भी नहीं सकता तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने दोनों हाथ जोड़कर बंदर के आगे बोला कि आप कौन हो, इतने शक्तिशाली इतने कौन हो। मतलब भीम को लग रहा था कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, और वो भीम जो भी शक्तिशाली होता था उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। तो बंदर ने कहा मैं ही हनुमान हूँ। तब भीम ने कहा मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है, जो आपसे मिला है इससे मेरा किस्मत बदल गई। तो उन दोनों भीम ने बंदर ने भीम को गले लगाया और कहा कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ठीक है, युद्ध में तुम्हारी विजय अवश्य होगी। और फिर क्या कहा, अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। जो अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा उड़ेगी उसके ऊपर मैं विद्यमान रहूंगा। कौन रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे। तब कहा कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। और फिर उन्होंने जो फूल थे उनको दिखाया, किसने दिखाया, हनुमान ने उनको दिखाया। उन फूलों को देखकर भीम को याद आई कि द्रौपदी ने उससे ये फूल मंगाए हैं, और वो उन फूलों को तोड़कर वापस चला गया अपनी कुटिया में। ये बेटा लेसन बहुत छोटा सा है, भीम और हनुमान की मुलाकात का वर्णन किया है इसमें कि हनुमान एक बंदर का वेश बनाकर कहाँ बैठे थे, बगीचे में।